खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जनगण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ 5/7 पर। हमने आपसे कहा था कि अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, हमारे आसपास ही रहते हैं। हमने आपसे यह भी कहा था कि घर हो या बाहर, लेकिन आप हमेशा सतर्क रहिए। हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो सबसे पहले इस बात को सच साबित करेगी कि अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, और फिर इस बात पर भी मोहर लगाएगी कि घर के अंदर भी सतर्क रहना जरूरी है। तो देखिए हाई प्रोफाइल मुजरिमों का ये कारनामा। तारीख 15 जुलाई 2016, नोएडा का सेक्टर 17A। सुबह के करीब 7 बजे, सोसाइटी के ज्यादातर लोग अभी नींद में हैं, लेकिन सीसीटीवी की आंखें खुली हुई हैं और सीसीटीवी की यही नजरें कुछ ऐसी हरकत कैद कर रही है जिसे देखने के बाद कई लोगों की नींदें उड़ने वाली हैं। अभी अभी जो कुछ आपने देखा उसे समझने के लिए दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ना रहने की जरूरत है। चलिए आपको 15 जुलाई को हुई सनसनीखेज वारदात को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। वक्त सुबह के 7:07। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में आप एक सफाई कर्मचारी को देख सकते हैं, यानी इस वक्त तक थोड़ी बहुत हलचल शुरू हो चुकी है। 7:08 पर एक कार की एंट्री होती है। इस कार को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस कहानी में इस कार का सबसे अहम रोल है। ये कोई छोटी मोटी कार नहीं है, ये है ऑडी A7। सबसे पहले आपको बता दें कि इस गाड़ी की कीमत कम से कम 20 लाख रुपए होती है। जाहिर है इसमें सवार होकर आने वाले कोई मामूली लोग नहीं होते। काले रंग की इस ऑडी के गुजर जाने के बाद 7:10 पर दो महिलाएं दिखती हैं। अब जरा वक्त पर नजर डालिए, 7:11। काले रंग की एक कार इसी सड़क से लौटती दिख रही है, लेकिन ये ऑडी नहीं है, ये BMW है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। सोसाइटी में कारें आती जाती रहती हैं। तो सुनिए, जो ऑडी कार 7:08 पर सोसाइटी में दाखिल हुई थी उसमें चोर सवार थे और वो इस BMW कार को चोरी करके ले गए। यानी बात साफ है, उस ऑडी कार में दो चोर आए थे और फिर अपनी ऑडी के साथ एक और BMW कार लेकर बड़े आराम से निकल गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आखिर दिन दहाड़े चोरों ने BMW कार पर हाथ साफ कैसे कर दिया, वो भी सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नोएडा के सेक्टर 17 में। चलिए अब आपको सीसीटीवी की दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं। 7:01 पर ये ऑडी कार सोसाइटी के अंदर आकर खड़ी होती है। वैसे सोसाइटी के मेन गेट पर गार्ड तैनात होते हैं, लेकिन ऑडी कार का रुतबा देखकर उसमें सवार लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किया गार्ड ने। इस कार से एक चोर पहले ही उतर चुका है, वो यहाँ घूम घूम कर रेकी कर रहा है। 7:04 पर वो चोर कार के पास आता है, उसके हाथ में एक बैग भी नजर आता है। बैग को पीछे वाली सीट पर रखकर वो गाड़ी चला रहे शख्स से बात करता है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है, फिर वो चोर पीछे की सीट पर बैठ जाता है। आपको बता दें कि जो बैग ये चोर लेकर आया है उसमें एक लैपटॉप है जिसे इन चोरों ने मकान नंबर A22 में घुसकर चुराया है। अब जरा घड़ी की सुइयों पर नजर डालिए, कार में कोई हलचल नहीं हो रही। दरअसल कार में बैठे दोनों शातिर चोर अपने प्लान को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। 7:06 पर पीछे बैठा शख्स कार से उतर जाता है। बाहर निकलने के बाद उसकी चोर नजरें कुछ तलाश रही हैं। वो मौके की ताक में है और फिर वो दूसरी गली में दाखिल हो जाता है। ठीक इसी वक्त
कार के करीब से दो महिलाएं गुजरती हैं। इन्हें यहां रची जा रही साजिश की भनक तक नहीं लग पाई। महिलाओं के सामने ही कार से उतरा चोर वापस कार में बैठ जाता है। इसके बाद काले रंग की ऑडी आगे बढ़ जाती है। ठीक 5 मिनट बाद वही ऑडी कार इस रास्ते से लौटती दिखाई दे रही है। इसी के पीछे पीछे एक BMW कार भी सोसाइटी से बाहर निकल गई। इन 5 मिनटों में क्या क्या हुआ ये आपको रिक्रिएशन के जरिए दिखाते हैं। सोसाइटी के कई घरों की रेखी के बाद चोरों ने मकान नंबर A37 को अपना निशाना बनाया। चोर दबे पांव दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खुला हुआ था क्योंकि ये घर में काम करने वाले कर्मचारियों के आने का वक्त होता है। वो अपनी शातिर निगाहों से इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। उसे रत्ती भर का भी खौफ नहीं था कि वो किसी और के घर में घुसा है। चलते चलते वो घर में घुसने वाले पीछे दरवाजे तक पहुंच गया। वहां भी उसके कदम नहीं ठिठके। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर उस जगह तक पहुंच गया जहां कार की चाबी रखी होती है। कार की चाबी उठाने के बाद वो बेरोक टोक बाहर निकला और बड़े आराम से BMW कार में सवार होकर सोसाइटी से बाहर निकल गया। हमने इमीडिएटली पुलिस को फोन किया और हमारे सेक्टर में CCTV लगे हुए हैं, उसकी फुटेज चेक करने के लिए अपने RWA को कॉल किया। हमने फुटेजेस चेक की तो हमें पूरा लिंक मिला कि चोर ऑडी A7 में आए थे। हो सकता है चांस की बात है कि उन्होंने उस दिन नहीं लगाई गार्ड वगैरह, ने ध्यान नहीं दिया। फिर RWA से जब बात की तब उन्होंने अब सचेत हो गए हैं। वो बेखौफ किसी के घर में घुसने और कोई भी सामान उठा लेने जैसी घटनाएं आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन इन चोरों का आत्मविश्वास देखकर पुलिस भी दंग है। ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े BMW कार को चोरी करने का मामला है। इस घटना से साफ है कि चोर बेहद शातिर हैं, जो छोटी मोटी चीजों पर नहीं बल्कि महंगी चीजों पर हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस ने CCTV की इन तस्वीरों के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि जिस ऑडी कार से ये चोर आए थे वो भी चुराई हुई कार थी। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड और जगह जगह CCTV कैमरे होने के बावजूद ये घटना आगाह करती है कि आप हर पल हर जगह चौकन्ने रहें। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। हाईटेक चोरों की ये हाईटेक चोरी CCTV कैमरे के अलग अलग एंगल में पुलिस के पास मौजूद है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इनका पर्दाफाश कब कर पाती है। कैमरामैन अनिल सूद के साथ दीपक बिष्ट, I-7 नोएडा। अगर आपने अपने घर या शोरूम की हिफाजत के लिए चौकीदार रखे हुए हैं तो यह खबर जरूर देख लीजिए, क्योंकि चोर अब इतने शातिर हो गए हैं कि चौकीदार के दरवाजे पर मौजूद होने के बावजूद लोगों को कंगाल बनाकर निकल जाते हैं। आपको यकीन नहीं तो मुंबई की ये तस्वीरें जरूर देख लीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें बेशक किसी हॉलीवुड फिल्म की हैं, जिसमें चोर अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिससे वो चोरी को अंजाम दे सके। और शायद यही वजह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद चोर अपने शिकार तक कभी हाईटेक इलेक्ट्रिक तारों के बीच से गुजरता हुआ तो कभी ड्रिल मशीन के जरिए दीवारों में छेद करके, तो कभी तारों के जरिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक का सफर भी बेखौफ अंदाज में तय कर लेता है। खैर, ये तस्वीरें तो फिल्मी हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन्हीं हॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर मायानगरी मुंबई में चोर भी बड़े फिल्मी हो गए हैं। इन चोरों को नाइट गैंग थीफ कहा जाता है और ये चोर रात के अंधेरे में नए नए हैरतअंगेज कारनामे कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। और उन्हीं नाइट गैंग का शिकार हुआ है मुंबई के कांदिवली इलाके का एक शोरूम। कांदिवली इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब इलाके के इस अल्फा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के शोरूम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। हैरानी वाली बात ये थी कि चोरों ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में देर रात पहले तो शोरूम की छत पर सुरंग बनाई और उसके बाद लाखों का सामान चुरा कर दबे पांव फरार हो गए। चोर अपना काम करके चले गए,
लेकिन चोरी की तस्वीरें शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शोरूम में चोरी की जानकारी मिलते ही मालिक ने पुलिस को मामले की इत्तला दी, जिसके बाद सुबह जब पुलिस ने मौके पर छानबीन की और दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों में सिर्फ दो चोर दिखाई दिए, जिन्होंने अकेले ही ना सिर्फ सुरंग खोदी बल्कि खोदने के बाद सुरंग के रास्ते शोरूम के अंदर आसानी से दाखिल भी हो गए। चलिए अब आपको चोरी की एक घटना सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। तारीख 18 जुलाई 2016, वक्त रात के लगभग 1:30 बजे, जगह मुंबई का कांदिवली इलाका। घड़ी में वक्त हो गया है रात के 1:28:07। तभी अंधेरे में एक शख्स बदन पर बिना शर्ट और पैरों में बिना चप्पल के कैमरे के करीब आता दिखाई देता है और ठीक 1:28:16 पर वो कैमरे की जद से बाहर हो जाता है। अब देखिए कैमरे की घड़ी में वक्त हो गया है 1:28:19। तभी कैमरे में हूबहू पहले वाले शख्स की तरह दूसरा शख्स दिखाई देता है, उसके हाथों में एक टॉर्च भी है। लेकिन ये शख्स आगे बढ़ने से पहले उसी जगह रुक गया और बगल में टॉर्च रख कर अपने पास से कुछ निकालने लगा। तस्वीरों में देखिए ये शख्स अपने पास से मास्क निकालता है और उसे पहन लेता है, जिसके बाद पहले वाला शख्स उसकी तरफ वापस आता है और उसकी मदद करने लगता है। और दोनों कैमरे की जद से बाहर निकल जाते हैं। हम आपको आगे की कहानी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको इन दोनों किरदारों से रूबरू करवाते हैं। जिन दो लोगों को आपने तस्वीरों में देखा है, दरअसल ये वही शातिर चोर हैं जिन्होंने इतने बड़े शोरूम को रातों रात लूट लिया। चलिए अब आपको इसके आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। घड़ी में वक्त हो चुका है 1:29:39 और चारों तरफ दुकान में अंधेरा पसरा हुआ है। तभी सीढ़ियों की तरफ से हाथ में टॉर्च लिए पहला चोर दिखाई देता है और वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर दुकान में दाखिल हो जाता है और सीढ़ियों के पिछले हिस्से की तरफ चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे ठीक 1:30:04 पर दूसरा चोर भी आ जाता है और वो भी ठीक पहले चोर के नक्शे कदम पर चलते चलते दुकान में दाखिल हो जाता है। लेकिन इस बार दोनों चोरों के हाथ में सफेद पॉलिथीन भी नजर आ रही है। इसके बाद कुछ ही सेकंडों में दोनों चोर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस चल पड़ते हैं और ठीक 1:38 पर दोनों चोर कैमरे की जद से बाहर चले जाते हैं। सीसीटीवी में दो जन दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एक इशारा कर रहा था, फिर बाद में नीचे आके वो दोनों बाकायदा लॉक खोल के और सब सामान यहाँ से जितना था मोबाइल पूरा लेके गए, 2-3 मोबाइल उन लोगों ने छोड़ दिए। आपको बता दें कि दरअसल दोनों चोर शोरूम में पूरी तरह झाड़ू लगाने के इरादे से आए थे, लिहाजा पहले दोनों ने छत के जरिए एक सुरंग बनाई, उसके बाद शोरूम में दाखिल भी हो गए। लेकिन शोरूम में रखे एलसीडी, फ्रिज और एसी जैसे सामानों को निकालने में नाकाम रहे, इसीलिए उन्होंने शोरूम में मौजूद मोबाइल और दूसरे छोटे मगर महंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक थैले में भरा और निकल गए। सबसे खास बात यह है कि शोरूम की हिफाजत के लिए मौजूद चौकीदार दरवाजे के बाहर बैठा रहा और चोर छत के रास्ते अपना काम करके निकल गए। छत में होल बना के नीचे दो लोग आए थे और वहाँ से कुछ मोबाइल उन्होंने चोरी करके लेके गए हैं। 2,23,000 की मालमत्ता उन्होंने चुराई है। जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है उसके आधार पे हमारा तपास चल रहा है। बहरहाल शोरूम के मालिक ने कांदिवली पुलिस थाने में चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए नाइट गैंग नाम के चोर गिरोह को तलाशने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे देखिए, दिल्ली के पॉश इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग का कत्ल कर दिया गया। आप बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।
सुपर क्राइम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजधानी दिल्ली में पुलिस दावा करती है कि बुजुर्गों की हिफाजत के लिए खास इंतजाम किए गए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के बुजुर्ग हर वक्त अपराधियों की नजर में है। ताजा घटना मयूर विहार फेस वन की है, जहां समाचार अपार्टमेंट में अपराधियों ने एक बुजुर्ग को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। घर के अंदर पुलिस, घर के बाहर पुलिस, सनसनीखेज कत्ल का सुराग ढूंढती पुलिस, लेकिन कत्ल का कोई सुराग मौजूद नहीं। एक पौश इलाके में दिन दहाड़े कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे दिया गया और पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मौजूद समाचार अपार्टमेंट में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी फैल गई है। फ्लैट नंबर 129 में रहने वाले 65 साल के विजय कुमार की चाकू घोप कर हत्या कर दी गई। वारदात का खुलासा तब हुआ जब विजय कुमार की बेटी उनसे मिलने पहुंची। कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा था। वारदात के बाद से घर का नौकर गायब है। दिल्ली का मयूर विहार समाचार अपार्टमेंट एक पॉश इलाका है, जहां पर बुधवार को एक 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हुई और उनकी संदिग्ध हालत में जब लाश मिली तो उसके बाद पुलिस जांच में जुटी। आपको दिखा दें कि यही वो बिल्डिंग है, यहां इसमें फ्लैट नंबर 129 में करीब 65 वर्षीय विजय कुमार, जो 4 साल पहले लगभग रिटायर हुए थे, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे, उनके बच्चे जो हैं इसी बिल्डिंग में ही रहते हैं। हम तो घरों में बैठे थे, हमने ये आवाज आई, दे हैव किल्ड माय फादर एंड लाउड शाउटिंग, सो आई रश्ड आउट फ्रॉम माय हाउस एंड आई हैव बीन देयर सिंस देन। वही हम देख रहे हैं और पूरा देखा कि किस तरह का माहौल है, किस तरह डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब तक की छानबीन में पुलिस को कुछ चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। वारदात से पहले घर में किसी की फ्रेंडली एंट्री हुई थी, विजय कुमार ने उस शख्स के साथ चाय पी थी, यानी घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, कोई पहचान वाला ही आया था। घर में रखे जेवर जस के तस पड़े हैं, यानी हत्या का मकसद लूटपाट नहीं था। ऐसा लगता है कि एंट्री फ्रेंडली थी, कोई आदमी जो नोन है, उनका परिवार को नोन है, वो घर में आए, उन्होंने चाय भी पी है और कुछ देर वो रहे हैं, उसके बाद उनकी हत्या की गई। इस वारदात का न कोई चश्मदीद गवाह है, न मौके से कोई अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। हत्या की जांच में जुटी पुलिस के पास अब सीसीटीवी फुटेज ही अहम सुराग है। इस घटना ने एक बार फिर राजधानी में बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गौरव राजगुप्ता, दिल्ली, IBN 7।